ऑप्शन टैली करना मेरे साथ। कह रहा है चंद्रा लिमिटेड ने क्या खरीदा है, सेकेंड हैंड मशीन कितने की, 8,000 रुपये की, और 6% का CGST और 6% का SGST है, ठीक है ना। ज़रा इसकी जर्नल एंट्री चेक करना, तो ज़रा जर्नल एंट्री से एग्री हैं आप, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है 3,500 रुपये आज ही उसके इंस्टॉलेशन पे लग गए, तो ये खर्चा भी तो उसी के अंदर जुड़ेगा, हाँ या ना। तो मशीन की वैल्यू यहाँ पर आ गई, और इसके अंदर क्या आएगा, GST की वैल्यू, और ये टोटल पैसा है जो बाहर जाएगा, हाँ या ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी परेशान मत हो ना, GST तुम्हें दुखी नहीं करेगा यहाँ पर, अभी मैं रीज़न बताता हूँ। थोड़ा और आगे चलो, डेप्रिसिएशन कितना लगाया जाता है, 10% ऑन, तो मतलब तुम्हारे हिसाब से यहाँ कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 11,500 का 10%, और वो भी 9 महीने के लिए, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, बची हुई वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, फिर बची हुई वैल्यू, फिर यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना निकालोगे, ना 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 ना, कह रहा बची हुई वैल्यू का मेथड तो देखो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, इस डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी इसी प्राइस पे होगी, सही है ना। हाँ, तो तुम चिंता मत करो, वो तो बहुत आगे की बात है, अभी पहले फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट कर लें, इतना दूर जाने की ज़रूरत क्या है। और आगे चलना, कह रहे 30 सितंबर 2018, ये तो यहाँ जाके पड़ेगा, कौन से साल में, 1, 2, 3, 4 साल में, देखो ज़रा क्या कह रहे, चौथे साल में क्या हुआ, कह रहा ये जो मशीन खरीदी थी ना, कह रहा खराब होगी, बेच दी, तो वो तो चौथे साल में है ना, अरे पहले तो 3 साल का काम करना पड़ेगा। हाँ, और देखो कुछ और भी है, क्या मांग है, मशीन अकाउंट 4 साल का मांग रहा है, तो चौथा साल वही है जिसमें मशीन बेचनी है, तो पहले फर्स्ट ईयर का काम कराओ ज़रा मुझे, फर्स्ट ईयर में मशीन अकाउंट कितने से डेबिट है, तो पहले इसमें लिखवा दो 1,715 पर टू बैंक कितना, 11,000। अब तुम एक बात बताओ, अगर GST नहीं भी होता तो भी तुम यही लिखते, तो मतलब डेप्रिसिएशन के चैप्टर में GST एंट्री के अंदर तो आएगा पर हमारे लेजर को असर नहीं डालेगा, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहना GST को लेकर, सही है सर। चलिए, अच्छा उसके बाद हम यहाँ से यहाँ बढ़ गए, तो हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया, 863। इसकी कैलकुलेशन मैं एक बार बता देता हूँ, 11,500 इंटू कितना है, हाँ जी तुम लोग बोलते नहीं हो, ये चला जाता है, हाँ जी कितना है, 10% है, और वो भी 9 महीने के लिए, तो इसका अमाउंट कितना निकल के आ रहा है। अब इसके अंदर दो अकाउंट है, डेप्रिसिएशन अकाउंट और क्वेश्चन में मांगा क्या है, खाली मशीन अकाउंट मांगा है, तो वो तो मांगा ही नहीं है इस बार, मांगेगा तो बना देंगे, हाँ तो फिलहाल इसमें पोस्टिंग करा दो, डेट का ध्यान रखना, 31/3/16 पर बाय डेप्रिसिएशन कितना है, 863। बैलेंस कैसे करूं, इसी डेट पर लेजर को बैलेंस कर देंगे, बाय बैलेंस, इसको यहाँ लाऊंगा, इसे यहाँ लाऊंगा, और इसमें से इसे, तो बाकी का बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे ही होता है ना, देखो ज़रा आप इसे क्या कहेंगे, बेसिकली खबरदार बाय बैलेंस CD कहा, वो तो है ही, मशीन की आज की वैल्यू, अच्छा जो आज की वैल्यू है वो आज की बैलेंस शीट में यहाँ पर आएगी, और ये वाली सारी एसेट अगले साल ओपनिंग एंट्री में डेबिट हो जाती हैं, तो मशीन कितने की कैरी हो गई यहाँ पर, 10,637, तो ये कैरेट डाउन यहाँ पर। अच्छा आप देख रहे हैं इसमें और इसमें गैप कितना है, एक रात का, हाँ अगर ये 31 मार्च की शाम है तो ये 1 अप्रैल की सुबह है, हाँ या ना, तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन,
10638। फिर मैं यहाँ से यहाँ पहुँचूंगा तो फिर दोबारा डेप्रिसिएशन लगा। कैलकुलेशन किस वैल्यू पर होगी? इस वैल्यू पर पूरे साल का लगेगा। हाँ या ना? इस एंट्री में मशीन अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट। तो 31/3/17 पर बाय डेप्रिसिएशन 1100 बैलेंसिंग कर दो। और तो कुछ हुआ ही नहीं है पूरे साल में, ना बेची है कोई मशीन ना खरीदी है। हाँ तो इसे यहाँ लाओ, इसमें यहाँ लाओ और इसमें से इसे माइनस कर देंगे। यही तरीका रहेगा। देखिए क्या 637 यू आर राइट। फिर उस केस में क्या होगा? एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये इतनी वैल्यू आ रही है इसकी, पॉइंट में आ रही है। तो आप इसे 62 ले लो या 60। अगर आप इसे 63 लेंगे, अगर आप इसे 63 लेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और अगर आप इसे 862 लोगे तो यहाँ पर 10638 हो जाएगा। मतलब आपने 1 रुपया एडजस्ट करना है, चाहे ऊपर करो या नीचे करो। समझ आ रही है बात? हाँ, तो 1 रुपये की बात है, टेंशन मत लेना। आगे चलें। चलो आप ऐसा मान के चलो हम इस वैल्यू को कैरी करने वाले हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो मशीन की वैल्यू बच गई वो तीसरे साल कहाँ चली जाएगी? ओपनिंग एंट्री में। फिर तीसरे साल का क्या लग गया? डेप्रिसिएशन। और फिर यहाँ पर मशीन दोबारा से बैलेंस हो जाएगी। क्या कहा? क्लोज हो जाएगी। नहीं, किसी ने तो क्लोज बोला। कौन था वो? अरे कौन था वो? शकुनी आओ। थर्ड ईयर कंप्लीट, कोई परेशानी तो नहीं? मेन काम है फोर्थ ईयर में जो नया है उस पर बात करते हैं जरा। अच्छा, आज मशीन की वैल्यू क्या है? आज यही तो है। और आप इसे वहां से यहां पर ले आएंगे तो कैसे होगा? बेसिकली ये वैल्यू यहां से यहां पहुंची है ना। हाँ, तो यहां से इस वैल्यू को इधर पहुंचा दो। क्या लिखूं? डेट आ गई है 1/4/18 पर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 8337। बताओ, इसके बारे में विचार रखो, इसके बारे में विचार रखो। बड़े बेकार लोग हैं, विचार शून्य, स्पीचलेस। बताएंगे? हाँ यार, पागल हो गया, कुछ भी बोलते नहीं हो यार। मशीन की यही तो वैल्यू बच गई है आज, तो इसे कहूँ क्या? इसे कहूँ क्या? हितेश पिटेगा क्या, कुछ बोलेगा? क्या कहा? इसको कुछ नाम दे दें दोस्त, इस वैल्यू को कोई नाम दे दो। करंट वैल्यू, करंट आ रहा है इसके अंदर, क्या है ये? कैन आई कॉल इट रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड? नहीं कह रहा हूं मैं रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड, वो तो अलग मैथड है। क्या मैं इसे रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं कह सकता क्या? रिटर्न डाउन, घटने के बाद जो वैल्यू रह गई है। कितनी बार घटी है मशीन? देखो, मशीन यहाँ खरीदी थी, एक बार यहाँ क्रेडिट हुई, एक बार यहाँ क्रेडिट हुई, तो 3 बार घटने के बाद आज उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? देखो, रिटर्न डाउन वैल्यू एक नाम भी है और रिटर्न डाउन वैल्यू एक मेथड भी है, वो शुरू होगा 3 क्लास के बाद। हाँ या ना? तो आज मेरी मशीन की वैल्यू कितनी बच गई है? 8337। कैसे बची? इसमें से देखो, मशीन क्रेडिट होती गई होती गई होती गई होती गई, तो आज इतने की डेबिट बची हुई है। अब देखो, मैंने इसे कब बेचा है? इस डेट से 6 महीने बाद। 6 महीने आपने यूज तो किया है, तो पहले 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओ। कैसे निकालूं? डेप्रिसिएशन आज लगाना है। अब ये मत कहना आपने तो बोला था यहां लगता है, अब मैं क्या करूं? मशीन बीच में बिक रही है तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। कैसे निकालूं अमाउंट? समर्थ ना, ये तरीका भी ठीक है पर मेरे को अच्छा नहीं लगा। कह रहा है जो डेप्रिसिएशन पूरे साल का है उसका आधा कर दो। सही है, अमाउंट तो आ ही जाएगा, बट
आई डोंट लाइक इट। कोई और बताएगा? हाँ नहीं, तभी से नहीं पूछना, नहीं पूछना, नहीं पूछना। और कोई बताएगा? कार्तिक क्या हुआ बेटा, कोई डरवर है? नहीं मतलब तुम्हारा नाम ले रहा हूँ तभी बोलोगे, वैसे नहीं बोलोगे, नाराज चल रहे हो तो बोल लो यार। हाँ अच्छा, डेप्रिसिएशन चाहे तुम ईयर के एंड पे निकालो और चाहे बीच में, कहाँ जाना पड़ेगा? ओरिजिनल वैल्यू पे। चलो जरा कितने की थी? 11,500, इसका 10% कितने महीने के लिए? हाँ तो अमाउंट कितना आ गया? 575, यही तो आ गया। अब बताओ अब मशीन की वैल्यू कितनी बच गई है? आप देखो आपने एक बार और मशीन की वैल्यू घटा दी, अबे इसमें से कितनी और क्रेडिट कर दी आपने, तो बाकी की यहां क्रेडिट कर दो। कितने में बिकी है? 6,500। तो इतने की मशीन इतने में बिक गई तो ये तुम्हारे लिए क्या है? लॉस। तो लॉस को तुमने कहां बेचना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि P&L। एंट्री समझ आई है? अच्छा इस एंट्री की पोस्टिंग देखो मैंने कर दी है क्या, ये रही। अगली एंट्री कौन सी डली है? पहले पहले ये, इसके अंदर मशीन क्रेडिट है। डेट का विशेष ख्याल रखना, 30/9/18 पर क्या लिखूं? वाई डेप्रिसिएशन 500, इसी डेट पर मशीन को बेचना है तो बाय, अबे देखो ना इसमें भी मशीन क्रेडिट है 6,500 और बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1200, बस यहाँ पर टोटल आ जाएगा। यहाँ पर ये क्या था? बैलेंस। यहाँ पर क्या था? बैलेंस। यहाँ बैलेंस आएगा क्या? मशीन ही नहीं है, बैलेंस कहाँ से आएगा? जरा घूरो इसे, कोई डाउट है तो बताओ। डेट देख रहे हैं आप, ये डेट यहाँ की है, फिर ईयर क्लोज हुआ, फिर ये नीचे आया, डेप्रिसिएशन लगाया, बैलेंस हुआ, फिर नीचे आया, डेप्रिसिएशन लगा, नीचे आया, यहाँ पर मशीन ख़त्म हो गई बस। मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ आप इस पैटर्न को लर्न करो, पैटर्न लर्न करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, वो तो भूल जाएंगे आप। समझ आया है? yes, आपको किस बात का ख्याल रखना है इसके अंदर, आपके हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं? पहली डेट तो ये, क्योंकि बच्चे को जनरली ये डेट यहाँ की आदत होती है। दूसरी बात इसका, बच्चा यहाँ पर जनरली कौन सी डेट लिखता है? 31 मार्च वाली लिखता है। अब यहाँ वो बीच में बेच रहा है तो वही वाली डेट आपको लिखनी पड़ेगी। कोई और शक है तो बता दो मुझे। और दोबारा बोलो, कन्फ्यूजन है भाई साहब। यहाँ का जो डेप्रिसिएशन लगा है वो 9 महीने का लगा है इसलिए अलग है, यहाँ पूरे एक साल का लगा है सेम है, यहाँ भी एक साल का लगा है सेम है, यहाँ जो डेप्रिसिएशन लगा है वो 6 महीने का लगा है इसलिए डिफरेंट है, इसलिए वो अमाउंट अलग नज़र आ रहे हैं ये वाले और ये वाले। बाकी ये देखो दोनों सेम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि टाइम भी तो सेम होना चाहिए ना, सही है? और कोई डाउट? डाउट पूछने वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे होते हैं।